हम भी साथ ही माता बहनों के बीच बच्चों भाइयों बुजुर्गों के बीच बिताते हैं, लेकिन सातवां दिन जब आता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब मैं अपने भक्तों से अलग होता है। लेकिन भक्तों ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन अब परिवर्तन होगा। भगवान श्री कृष्ण को भी गोकुल छोड़कर के मथुरा जाना है, राजा कंस का उद्धार करने के लिए जाना है। और प्रकृति का नियम कभी बदलने वाला नहीं है, ये तो प्रकृति के नियम है, ये बदलते नहीं है। और राजा कंस ने भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का प्रबंध कर लिया, धनुष यज्ञ किया गया है। और नंद बाबा के बचपन के सखा हैं अक्रूर जी, और अक्रूर जी नंद बाबा के बचपन के सखा हैं, और कंस के महामंत्री हैं। कंस ने इस बात का फायदा उठा लिया, क्योंकि कंस को पता था नंद बाबा अक्रूर के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, इस कंस को फायदा कभी उठाने मत देना, क्योंकि हमारे अंदर ये जो कंस बैठा है ये हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है और पड़ोसी से झगड़ा करवा देता है। बोलिए शंकर भगवान। और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहने लगे, अक्रूर जी तुझे गोकुल में निमंत्रण देने को जाना है, लेकिन याद रखे किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने अपने उन दोनों बालकों को मारने की योजना बनाई है। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए, पापी कंस इस काम के लिए तुझे बैठना मिला था, लेकिन विचार करने लगे
अगर इस पापी दंश को मना करूंगा, दंश के हाथों मृत्यु होगी, मैं नरक में चला जाऊंगा। मैंने सुना है मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, मैं भगवान से क्षमा मांग लूंगा। अक्रोर जी की आंखों से भगवान का प्रेम बरसने लगा। सर चला है कन्हैया रिश्ते में मेरे भतीजे लगते हैं, मुझे चाचा कहेंगे, मुझे गले से लगाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा विचार भी मन में आ जाता है, ऐसा ना हो वो कन्हैया मुझे पहचानने से मना ही कर दे। ऐसा विचार करते करते सुबह उठते ही राजा दंश का सोने का रथ अक्रोर के कीमत में खड़ा हो गया। अक्रूर जी जब रथ के ऊपर चढ़ने लगे, फिर वही विचार है, ध्यान किसका, भगवान का। और तुम्हें भी यही समझाना चाहता हूँ, घर से किसी भी काम के लिए निकलो, भगवान का भजन करते हुए निकलना, तुम्हारे बिगड़े हुए काम भी सुधर जाएंगे। अक्रूर जी का रथ चलने लगा, यमुना पार करके जैसे ही ब्रज भूमि के ऊपर रथ पहुंचा, अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे, ब्रज भूमि का बंधन किया। धन्य है ये ब्रज भूमि जहाँ पे मेरे प्रभु नंगे पांव गोपियां चराते हैं। अब मुझे भी रथ पे नहीं चलना है, नंगे पांव पैदल चलना है। अक्रूर जी वहां से पैदल चल पड़े, जहाँ जहाँ पांव के छोटे छोटे चिन्ह दिखते थे, वहां की धूली उठा करके मस्तिष्क से लगा रहे हैं। आज जीवन धन्य हो गया, मेरे प्रभु के चरणों की रज आज मेरे मस्तिष्क से लग रही है। धन्य है भक्तो, आप भी इस प्रांगण में बैठ करके, क्योंकि जहाँ पे भगवान की कथा होती है उस जगह के ऊपर भगवान के चरणों की रज पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ठाकुर जी घूम रहे हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल शिव संकल्पम् तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। ओम जय जगदीश स्वामी राधे। तो आज नगो में हमारी कथा को विराम हो गया, विदाई के उपल आपको भी दिखाते हैं, चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ।
कल से हम हमीरपुर आ जाएंगे, तो अभी विदाई यात्रा। तो ये जहाँ पे हम रहते थे, इस घर को बाय बाय, इस नगरी को बाय बाय। तो आज नगू में कथा को विराम। और ये देखिए बेचते हुए मुस्कुराते चेहरे। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पे विदाई यात्रा। हमारी माताएं बहनें पूरे जोश से हर कीर्तन करते हुए और कह रहे हैं कि ना जाओ श्यामा। और मदन भैया एक बार फिर से अपने संघ को लेके भागे। और देखिए बाकी लोग विदाई करते हुए यहाँ पे जॉई और कणक के बारे में डिसाइड करते हुए। आंखें भर आई हैं सभी की। बोल सच्चे दरबार की जय। ठीक है जी, राधे 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 राधे।